हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज थी छुट्टी और छुट्टी के दिन तो पेंडिंग काम भी करने पड़ते हैं, तो कर रहा था मैगी खाने का मन। ब्रेकफास्ट में मैगी बना ली थी और उसके बाद बैठ गई थी मैं असाइनमेंट बनाने के लिए बैठ के। तो दिन के बजने 12:30 और अभी तक एक असाइनमेंट भी कम्प्लीट नहीं हुआ है। और अभी मैं बनाने जा रही हूँ लंच। पहले लंच बना लेती हूँ, उसके बाद फिर असाइनमेंट बनाने में बैठ जाऊँगी, क्योंकि असाइनमेंट भी मुझे आज के आज कंप्लीट करने हैं जितना हो सके। ऐसा नहीं है कि मतलब सारे असाइनमेंट्स आज ही बनाने हैं, बट स्टिल जितना हो सके आज उन्हें कंप्लीट करना है। तो खाना बना लेती हूँ, उसके बाद खाना वाना खा के फिर असाइनमेंट बनाने में बैठ जाऊँगी। तो पहले चलती हूँ किचन पे। तो आ गई थी मैं किचन पे और सब चीज़ें कर ली थी चॉप। आज कुछ हल्का खाने का मन कर रहा था तो मैं बना रही थी पुलाव। तो कुकर चला लिया था मैंने गैस पे और उस पर डाल दिया था मैंने सरसों का तेल, और उसके बाद मैंने इस पर 1 चम्मच घी डाल दिया था। तेल लगभग गर्म हो गया था तो उसमें मैंने जीरा डाल दिया था। जीरे के बाद उसमें मैंने लहसुन डाल दिया था, और लहसुन का जब थोड़ा हल्का कलर चेंज हो गया तो उसमें मैंने प्याज ऐड कर दिया था, और प्याज को थोड़ा ट्रांसपेरेंट होने तक भून लिया था। प्याज का कलर चेंज होने के बाद मैंने उसमें टमाटर ऐड कर दिए थे, और टमाटर के साथ डाल दिया था 1 चम्मच नमक ताकि टमाटर गल जाए। और जब टमाटर गल गए थे तो उसमें आलू ऐड कर दिए थे जो काट के रखे हुए थे, और उसी के साथ उसमें ऐड कर दिए थे जो मटर, फ्रोज़न मटर रखे हुए थे। और उसके बाद सारे नॉर्मल मसाले डाल दिए थे, हल्दी, नमक, गरम मसाला वगैरह सब डाल दिया था, और इसको थोड़ी देर भून लिया था। और जब इसमें ऑयल छोड़ दिया था ना, तो मैंने इसमें ऐड कर दिए थे चावल जो मैंने वॉश करके रखे हुए थे, भिगाए नहीं थे, वॉश करके रखे हुए थे। चावल डालने के बाद इसको थोड़ी देर चावल के साथ वैसे ही भून लिया था, और उसके बाद इसमें जितना पानी चाहिए था उतना पानी ऐड कर दिया था। फिर कुकर का ढक्कन लगा दिया था और 2 सीटी लगा दी थी। तो पुलाव हो गया था तैयार, और मैंने टिफ़िन पैक कर दिया था क्योंकि टिफ़िन को मुझे भेजना था मार्केट इनके ऑफिस में। तो इसके बाद मैं भी खाने लग गई थी खाना, और मैं हाथी से खाती हूँ क्योंकि मुझे हाथी से टेस्ट आता है। और उसके बाद मैं चली गई थी खेत में, खेत में निकालने के लिए मूली, और देखो पूरी मूली ना फूल गई है। तो मैं बना रही थी मूली की सब्ज़ी, इसलिए मूली निकालने के लिए गई थी। और फिर ये रात की क्लिप। मैं उसके बाद खाना वाना बनाने के बाद अपने असाइनमेंट्स बनाने के लिए लग गई थी, और जल्दी जल्दी असाइनमेंट्स कंप्लीट करती हूँ, और इस व्लॉग का भी यहीं पे एंड करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।